नमस्कार, मैं वाणी चौधरी, आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। सीबीआई का दावा, धनबाद के जज की हुई थी हत्या, ऑटो ड्राइवर ने जानबूझकर मारी थी टक्कर। भारतीय एयरटेल का डिस्काउंट पर शेयर खरीदने का मौका, 5 अक्टूबर को खुलेगा कंपनी का राइट्स इश्यू। पंजाब में प्रशासनिक फेरबदल जारी, विन्नी महाजन की जगह आईएएस अधिकारी अनिरुद्ध तिवारी बने नए मुख्य सचिव। कांग्रेस नेता दिग्विजय बोले, हिंदुओं की तुलना में कम बच्चे पैदा कर रहे मुस्लिम, 2028 तक जन्म दर हो जाएगी बराबर। अब स्पा सेंटर के कमरों में नहीं होगी कुंडी, क्रॉस जेंडर मालिश की भी हुई मनाही, आईडी प्रूफ देना होगा जरूरी। ईडी ने गुजरात के मुद्रा पोर्ट पर 3,000 करोड़ रुपए की हीरोइन की जब्त, अफगानिस्तान से बड़ी खेप आने के संकेत। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात समेत दिल्ली के लिए हुआ येलो अलर्ट जारी, अगले 3 दिन भारी बारिश का अनुमान। कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, बीते 24 घंटे में संक्रमण के मामले 31,000 के पार, 282 लोगों की हुई मौत। केरल के त्रिशूर जिले में देश की पहली चेरामन जुम्मा मस्जिद के जीर्णोद्वार का काम हुआ पूरा, जल्द कर सकेंगे दीदार। त्योहारों से पहले महंगाई की मार, 1,000 रुपये का हो सकता है घरेलू एलपीजी सिलेंडर, इस पर मिलने वाली सब्सिडी पूरी तरह बंद कर सकती है सरकार। अग्नि 5 मिसाइल की टेस्टिंग आज, पहले 7 बार कामयाब रहा प्रशिक्षण, 5,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। प्रधानमंत्री आज टेक कंपनियों के सीईओ से मिलेंगे, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी होगी मुलाकात। अगले सप्ताह फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट, तकनीकी विशेषज्ञों की कमेटी का भी होगा गठन। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच के गठन की तैयारी, शिक्षा की गुणवत्ता पर होगा जोर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, 1 दहशतगर्द ढेर। अब स्टार चैनल नेटवर्क नहीं रहेगा नंबर 1, सोनी और जी होंगे मर्ज, 75 चैनल्स के साथ बनेगा भारत का सबसे बड़ा टीवी नेटवर्क। एमएसपी को मिल सकता है कानूनी जामा, चुनाव से पहले केंद्र सरकार उठा सकती है कदम। मुफ्त राशन लेने वाले किसानों ने सरकार को बेचा 2,000 करोड़ का राशन, जांच में हुआ खुलासा, 66,000 राशन कार्ड धारकों ने किया यह कारनामा। योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान का असदुद्दीन ओवैसी ने दिया जवाब, बोले, देश के गरीबों मजलूमों का संरक्षक हूँ। दिल्ली की कप्तानी पंत को दिए जाने पर श्रेयस अय्यर ने पहली बार दी प्रतिक्रिया, अपनी कप्तानी को लेकर बोले, दिल्ली का नेतृत्व करने में मजा आया,